उत्तरकाशी टनल से मजदूरों को निकालने का काम शुरू। एनडीआरएफ की टीम 2 घंटे में रेस्क्यू पूरा करेगी। टनल के अंदर एम्बुलेंस भेजी गई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। उत्तराखंड की सिलक्यारा डंडाल गांव टनल में 12 नवंबर से फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने का काम शुरू हो चुका है। टनल के अंदर एम्बुलेंस के अलावा स्ट्रेचर और गद्दे पहुंचाए गए हैं। एनडीआरएफ की टीम 2 घंटे के अंदर 16 दिन से फंसे 41 मजदूरों को टनल से बाहर लाएगी। टनल के पास बेस हॉस्पिटल है, यहाँ मजदूरों को प्राथमिक उपचार दिया जाएगा। इसके बाद इन्हें 30 से 35 किलोमीटर दूर चिन्यालीसौर ले जाया जाएगा, जहां 41 बेड का स्पेशल हॉस्पिटल बनाया गया है। अगर किसी मजदूर की हालत खराब हुई तो उन्हें फौरन एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश भेजा जाएगा। इससे पहले सिलक्यारा साइड से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में लगे रेड माइनर्स हादसे के 17वें दिन दोपहर 1:20 पर खुदाई पूरी कर पाइप से बाहर आ गए। उन्होंने करीब 21 घंटे में 12 मीटर की मैनुअल ड्रिलिंग की। 24 नवंबर को मजदूरों की लोकेशन से महज 12 मीटर पहले ऑगर मशीन टूट गई थी, जिससे रेस्क्यू रोकना पड़ा था। इसके बाद सेना और रेड माइनर्स को बाकी के ड्रिलिंग के लिए बुलाया गया था। मंगलवार सुबह 11 बजे मजदूरों के परिजनों के चेहरों पर तब खुशी दिखी जब अफसरों ने उनसे कहा कि उनके कपड़े और बैग तैयार रखिए, जल्द ही अच्छी खबर आने वाली है। उत्तरकाशी टनल में रेड माइनर्स ने कैसे काम किया? रेड माइनर्स 800 mm के पाइप में घुसकर ड्रिलिंग की। ये बारी बारी से पाइप के अंदर जाते, फिर हाथ के सहारे छोटे फावड़े से खुदाई करते थे। ट्रॉली से एक बार में तकरीबन 2.5 क्विंटल मलबा लेकर बाहर आते थे। पाइप के अंदर इन सब के पास बचाव के लिए ऑक्सीजन मास्क, आंखों की सुरक्षा के लिए विशेष चश्मा और हवा के लिए एक ब्लोअर भी मौजूद रहता था। रेड होल माइनिंग क्या है? रेड का मतलब है चूहा, होल का मतलब है छेद और माइनिंग का मतलब खुदाई। मतलब से ही साफ है कि छेद में घुसकर चूहे की तरह खुदाई करना। इसमें पतले से छेद से पहाड़ के किनारे से खुदाई शुरू की जाती है और पोल बनाकर धीरे धीरे छोटी हैंड ड्रिलिंग मशीन से ड्रिल किया जाता है और हाथ से ही मलबे को बाहर निकाला जाता है। रेड होल माइनिंग नाम की प्रक्रिया का इस्तेमाल आमतौर पर कोयले की माइनिंग में खूब होता रहा है। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्व में रेड होल माइनिंग जमकर होती है, लेकिन रेड होल माइनिंग काफी खतरनाक काम है, इसलिए इसे कई बार बैन भी किया जा चुका है। इंटरनेशनल टनल एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्स ने मंगलवार को बातचीत में कहा, पहाड़ ने हमें एक बात बताई है, वह है विनम्र बने रहना। 41 आदमी घर सुरक्षित और फिर आप सबसे असाधारण चीज की रिपोर्ट करेंगे। डिक्स का इशारा ऑपरेशन की सफलता की ओर था। पीएम मोदी ने रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को फोन कर रेस्क्यू ऑपरेशन की अपडेट ली। उन्होंने कहा कि अंदर फंसे श्रमिकों की सुरक्षा के साथ साथ बाहर राहत कार्य में लगे लोगों की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि अंदर फंसे श्रमिकों के परिवारों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब तक क्या हुआ? 27 नवंबर सुबह 3 बजे सिलक्यारा की तरफ से फंसे ऑगर मशीन के 13.9 मीटर लंबे पार्ट्स निकालिए। देर शाम तक ऑगर मशीन का हेड भी मलबे से निकाल लिया गया। इसके बाद रेड माइनर्स ने मैनुअली ड्रिलिंग शुरू कर दी। रात 10 बजे तक पाइप को 0.9 मीटर आगे पुश भी किया गया। इसके साथ ही 36 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग हो गई थी। अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कैसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक रहे नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।